क्रिटिसाइज करता है, बीमारी है ये, बीमारी है ये, कर है कि नहीं है, कोई इनसिक्योर है तो आपके लिए कैसे बात करेगा, वो जाके कैसे बात करेगा, कोई आपके लिए इनसिक्योर है वो कैसे बात करेगा आपके बारे में, अच्छा अच्छा बोलेगा जाके किसी को, बीमार है, उसके प्रति कैसी थॉट्स होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? आई विल गो एंड टॉक इल अबाउट यू टू एवरीबडी नाउ, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, वाई एम आई टॉकिंग लाइक दैट, वाई एम आई टॉकिंग लाइक दैट? इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, इतना दर्द है कि यहां से अच्छा शब्द तो निकलता ही नहीं मेरे। अब अगर आपने उसको इस नजरिए से देखा, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया इन्होंने जाके, तो आप भी चार लोगों को और कुछ बड़ा बोल देंगे, या आप इन लोगों को जाके सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि वो जो कह रही थी वो राइट नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूं। लेकिन अगर आपको इस नजरिए से देखेंगे, ईर्ष्या है, इनसिक्योरिटी है, तो ऐसा बोलना तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप मेरे प्रति कंपैशन एंड शुभ भावना कि ये भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बच गए, बच गए। नहीं तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं भी अपने आप को जाके प्रूफ करूं सबको कि मैं ऐसी नहीं हूं। कभी भी किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना होता, परमात्मा कहते हैं सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्यता के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत है, ट्रुथ विल रिवील इटसेल्फ, वी डोंट हैव टू प्रूव द ट्रुथ, बट प्रोवाइडेड हम ट्रुथ पर पकड़ के रखें, हम सत्यता के रास्ते को, सही रास्ते को पकड़ के रखें, तो हमारी वाइब्रेशन से दूसरा भी धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम ये छोटी 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 चीज़ें करते जाएंगे, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी। कितनी बार करें हम ये, कितनी बार करें, कितनी बार करें, तो कभी भी गिनती नहीं करना। हम अपसेट होने की गिनती नहीं करते, गुस्सा होने की गिनती नहीं करते, लेकिन चुप रहे उसकी गिनती करते, पिछले हफ्ते भी मैं चुप रही, उसके पिछले हफ्ते भी मैं चुप रही। सी, हाँ, होना चाहिए ऑपोजिट, कि जितनी बार मैंने रिएक्ट कर दिया उसकी गिनती मैं करूँ पिछले। हम अच्छे होने की गिनती करते हैं, क्यों, क्यों? हमें लग रहा है हम उनके लिए फेवर कर रहे हैं कि हम चुप रहे। इट्स नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स, इट्स फॉर माई सेल्फ, ये मेरे अपने लिए है, ये मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते, मेरा करियर, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा अपने ऊपर संयम है। अब कोई ये भी कह सकता है, ये तो बड़े कमज़ोर हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं ऊपर से, होता है ना ऐसे, क्योंकि दुनिया में इक्वेशन थोड़ी बदली हुई है। दुनिया में कहते हैं जिसने ज़ोर से रिएक्ट कर दिया वो ज़्यादा पावरफुल, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, जो अपने ऊपर संयम रखेगा या जो अपने ऊपर संयम खो देगा? इसीलिए खुद चेकिंग करनी है, क्या राइट है क्या नहीं है, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जीवन के हर एस्पेक्ट पर अटेंशन देना है। एक जो धन हम कमाते हैं वो भी एक एनर्जी के साथ आता है, जो अन्न हम खाते हैं वो भी एक एनर्जी के साथ आता है, जो बातें हम सुनते हैं पढ़ते हैं वो भी एक एनर्जी के साथ आता है, ये सब एक एनर्जी है। हमने धन कमाया, लेकिन उस धन को कमाने में अगर किसी का दर्द लगा होगा तो वो धन हमारे साथ कौन सी एनर्जी के साथ आएगा? तो अगर चाहिए कि धन प्योर एनर्जी के साथ घर आए, तो धन कमाते समय अपने फायदे से भी ज्यादा सामने वाले का फायदा सोचो। नहीं, पहले चेक करो अपने इसमें, अपना फायदा सोचा, धन कमाएंगे,
अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचा, दुआएं कमाएंगे, और जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? वो ज्यादा कमाएंगे। देखा, हमें सब कुछ तो पता है ना, कितने अच्छे से है, सब कुछ हमें पता है, एंड फिर भी जब वी गो आउट इनटू द वर्ल्ड हम सोच रहे हैं मेरा इसमें क्या फायदा होने वाला है, मेरा इसमें क्या फायदा है, मेरा कितना बच सकता है, मेरे को कितना प्रॉफिट है, दूसरे का क्यों, मुझे किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। ऐसे खड़े हैं, जो ऐसे करेंगे वो धन कमाएंगे, धन से सामान आएगा, जो दूसरे का फायदा सोचेंगे वो दुआएं कमाएंगे, दुआएं से क्या आएगा, धन से ये सब आता है, दुआओं से ये बैटरी भरती है, यस और नो?